Diksha from 8th Emerald from Holy Child Public School, Rewari. Today I am going to make paper butterfly. हमें इस तरह बटरफ्लाई बनानी है। ये पेपर ओरिगामी बटरफ्लाई है। चलो स्टार्ट करते हैं हम पेपर बटरफ्लाई। इसके लिए हमें बोन पेपर की जरूरत पड़ेगी। ये स्क्वायर पेपर है, स्क्वायर शीट पेपर। इसे हम फोल्ड करेंगे जिस साइड से, हम इस तरीके से इसे करेंगे। फिर से हम बैक करेंगे, फिर से दोबारा करेंगे फोल्ड, इधर से भी फोल्ड। इसे हम चारों तरीके से फोल्ड करेंगे, इसे बैक करेंगे, इसे हम फिर फोल्ड कर देंगे, इसे फिर यहाँ से भी हम फोल्ड करेंगे, फिर मैं इसे इधर से ऐसे फोल्ड करूँगी, फिर हम इसे इधर ऐसे करेंगे। अब मुझे ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, इसे हमें ये जो लाइन है इसे हमें ऐसे करना है, इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है। और ये दूसरे जो है ये लाइन दिख रही है आपको, इसे भी इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। फिर जो ऊपर का बस्ता है इसे हमें पुश करना है। पुश करने के बाद आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये पूरा ट्रायंगल बन गया। अब ऐसे करके और इसे ऐसे करना है। अब हम इसे कट करेंगे, अब हमें इसे यहाँ से कट करना है, ये विंग्स बनेगी। इसे थोड़ा सर्कल टाइप में कट करना है, ये कट हो गया। इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसे ऐसे करेंगे क्योंकि ये बटरफ्लाई बनेगी, इसे हम फोल्ड करेंगे। अब हमें इसे बैक लेके जाना है। ये हमें हाफ कंप्लीट हो चुकी है हमारी। जितना आप पीछे लेके जा सकते हैं इसको उतना पीछे लेके जाना है। पीछे लेके जाने के बाद हम ये जो थोड़ा ट्रायंगल नज़र आ रहा है इसे हम इस तरह पुश करेंगे। पुश करने के बाद ये थोड़ा बटरफ्लाई बन चुकी है, इसे हम फिर फोल्ड करेंगे। ये बटरफ्लाई कंप्लीट। इसे हमें स्क्वायर शीट के पेपर से दोबारा बनाना सिखाएंगे। किसी को समझ नहीं आएगा तो इसने दोबारा देख लेना। हमें पहले स्क्वायर शीट पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये ट्रायंगल बन गया, इसे हम फोल्ड से हटाएंगे, एक और बार फोल्ड करेंगे। बैक करेंगे हम, फिर इधर भी हमें फोल्ड ही करना है। हमें फोर टाइप से फोल्ड करना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ वैसे ही। ये बटरफ्लाई बनाना बहुत ईजी है, इसे आप ग्रीटिंग कार्ड पे भी लगा सकते हो, किसी पे भी बना सकते हो, लगा सकते हो या बना भी सकते हो लगा भी सकते हो। अब जैसे ही मैंने ये एक शीट ले ली और इसे हम येलो कलर के बटरफ्लाई से ऐसे करेंगे। इसे आप इधर कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे आप किसी चीज़ से भी बना सकते हो। अब जो आपको ये लाइन दिख रही है और जो थ्री लाइन है, एक ये तीर बना रही है ये लाइन, तो ये जो हाफ है, हाफ पर से आप फोल्ड करोगे और इस हाफ को भी आपको इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो आपका ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का जो पार्ट है, उसे भी आपको ये पुश करना है। पुश करने के बाद आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये बटरफ्लाई ट्रायंगल बन गया। अब आप इसे ये फोल्ड करोगे, अब ये स्मॉल ट्रायंगल बन गया। जैसे कि आप देख रहे हो ये स्मॉल ट्रायंगल बन गया।
अब हम इसे यहाँ से कट करेंगे, एक सर्कल टाइप में यहाँ से कट करेंगे, आपको दिख रहा होगा, इस टाइप से कट करेंगे। पहले हमने इस वो लिया है पेन से, ये तो ड्रॉ किया है, अभी ये ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से इसे हम कट करेंगे, इसके लिए हमें सीजर की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसे हम कट करेंगे, ये कट हो चुका है। अब हम इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, इधर हमने ये फोल्ड कर दिया, दूसरी साइड भी हम इसे फोल्ड करेंगे। हाँ, बटरफ्लाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसे हम बैक करेंगे। और इसे जितना बैक ले सको उतना बैक लेना है आपको। और ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसे हमें इस तरह मोड़ना है। मोड़ने के बाद हाफ बटरफ्लाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसे हम ऐसे पुश करेंगे, पुश करने के बाद हमारी इसे विंग्स, बटरफ्लाई विंग्स दिखेगी, और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम इसे कार्ड लगा के दिखाएंगे। जैसे ही हमने कार्ड लिया, इसे यहाँ पर ऐसे लगा दिया। यहाँ पे आप कुछ भी टीचर्स डे पे क्विज वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, और इधर लगा दो आप, फिर अपन साइड भी अच्छा लगेगा, इधर लगा दो आप, इसे चारों तरफ लगा दो, और बीच में कुछ भी लिख सकते हो आप।